उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। शासन की ओर से बड़ी अपडेट मिली है कि उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों के लिए बड़ी भर्ती की जाएगी, अर्थात ये सूबे में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती होगी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए। पहले कहा जा रहा था कि लगभग 26,000 पदों के लिए भर्ती होगी, लेकिन अब जो खबर निकल कर के आ रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि 52,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएंगी। इस पदों के लिए क्या आपकी आयु में छूट मिलेगी, अर्थात जो आपकी एज लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा, या किस तरीके की प्रक्रिया जो है अपनाई जाएगी, जिस तरीके का अनुमान है उसके आधार पर ये जो भर्ती की प्रक्रिया है कब तक कंप्लीट होगी और कैसे आपको इसमें आवेदन करना है और कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो दोस्तों, जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका आभार है बहुत ज़्यादा। अपना कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ आप लगे रहें। यहाँ पर बात करते हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे बड़ी भर्ती होगी, अर्थात 52,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसीज आपकी निकलेंगी। अब ये जो वैकेंसीज हैं ये कब तक आपके लिए फॉर्म की तैयारी में आप जुटोगे, अर्थात इसकी एग्जाम्स की तैयारी भी करनी होती है, सिलेबस अच्छा खासा है इसका भी और कंपटीशन अच्छा खासा है। तो देखिएगा, पिछली जो कट ऑफ है, इस बार की जो कट ऑफ है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम आपको कितनी तैयारी रखनी चाहिए। क्योंकि पहले क्या था कि 3 भर्ती आपकी लगातार आई थी, जिसको लेकर के आप जो लास्ट वाली भर्ती थी आपकी 2018 के आसपास, तो उसकी जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम थी। तो यहाँ से आप यदि उस कट ऑफ को नज़र में रखोगे तो वहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको जो है मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 4 साल के कैंडिडेट्स रुके हुए हैं, तो आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिएगा इसकी भर्ती के संबंध में यदि जानकारी दी जाए तो अप्रैल माह में इसके जो है फॉर्म आने की संभावना है, 2022 के अप्रैल माह में ऑनलाइन फॉर्म आपके आ जाएंगे और उसके बाद जो है आपकी जो वैकेंसीज है उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे और आपका जो एग्जाम की प्रक्रिया होगी वो पहले होगी। तो यहाँ से आपके लिए यदि ऑनलाइन फॉर्म की बात की जाए तो अप्रैल 2022 में इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद आपकी जो लगभग 2 महीने के बाद एग्जाम की प्रक्रिया होने की संभावना है। और इस बार जो है प्रोन्नति और लखनऊ बोर्ड उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी PRPB की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन परीक्षा में होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी, अर्थात आपका जो है CBT मोड में एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश SI का हुआ है। तो ऑनलाइन की तैयारी के रूप में आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, इसके लिए पहले क्वालिफिकेशंस और आयु की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशंस में आपके पास जो है 12th पास आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप रिजर्वेशन चाहते हैं SC ST OBC या EWS का, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो उससे आप जो है रिजर्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन क्वालिफिकेशन जो है 12th पास है, किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा या किसी प्रकार की कोई अन्य अनुभव नहीं इसके लिए चाहिएगा। आयु की बात की जाए तो आयु देखिएगा यहाँ पर जो रखी जाती है आमतौर पर वो रखी जाती है 18 से 22 वर्ष तक आपकी जो है आयु काउंट की जाती है। लेकिन इस बार क्या होगा कि इस बार जो है आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी, जैसा कि लगातार जो है छात्रों की भी याचिकाएं जा रही हैं जिसको लेकर के, क्योंकि पिछली 3 वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं निकली है, तो आपकी जो ये आयु की लिमिट होगी वो 18 से 25 वर्ष होगी। तो जो लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं बिना रिजर्वेशन वाले, वो जो है 18 से 25 वर्ष वाले इसकी तैयारी में जुट जाएं। OBC की यदि बात की जाए तो OBC को एक्स्ट्रा 3 ईयर्स दिए जाते हैं, SC या ST कैंडिडेट्स हैं तो उनको जो है 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, और इसी में आपकी जो है महिला कैंडिडेट्स भी काउंट की जाती हैं, यदि महिला कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी 5 वर्ष अधिक दिए जाते हैं, अर्थात उनकी आयु सीमा जो है 25 ना होकर के 30 होती है अंतिम सीमा, और शुरुआती सीमा आपकी 18 ही रहेगी सभी पदों के लिए। OBC के लिए 28 वर्ष तक लिए जाएंगे। तो मैंने आपको एज लिमिट के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस के बारे में यदि बात की जाए तो देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है 3 पार्टों में आपका होता है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर रिटर्न एग्जाम्स,
रिटन एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन पेपर के द्वारा चार पार्टों को, और रिटन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस में आपसे जो है चार पार्ट पूछे जाते हैं। एक है आपका सामान्य जागरूकता या सामान्य अध्ययन जिसको आप बोल सकते हैं, और इसमें आपसे करंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 38 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका हिंदी भाषा का, हिंदी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 37 अर्थात 37% आपसे पूछे जाएंगे। और तीसरा जो पार्ट है आपसे पूछा जाता है मैथ का, और मैथ के साथ साथ आपका जो जुड़ा होता है वो आपका होता है, यहाँ पर देखिएगा, रीजनिंग का एक पार्ट होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है बौद्धिक क्षमता, तो बौद्धिक क्षमता भी इसी के पार्ट में जुड़ी हुई होती है। तो इसको जो है अलग अलग तरीके से यदि हम डिवाइड किया जाए तो 20% जो है आपके मैथ के आते हैं और 18% आपके जो है यहाँ पर बौद्धिक क्षमता के आते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के 38% आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अन्य जो पार्ट होता है वो होता है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आते हैं 37 अर्थात 37 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके बनते हैं 150% के जो अंक होते हैं वो होते हैं, देखिएगा, दो अंक का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो कुल मिलाकर के 300 अंकों का आपका जो है ये पेपर होता है। और 300 अंकों में से आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है। फिजिकल के कोई मार्क्स इसमें ऐड नहीं किए जाते हैं, केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको एक काउंटिंग देखने को मिल रही है कि 18 क्वेश्चंस ये वाले बौद्धिक क्षमता के और 37 क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो कुल मिलाकर के रीजनिंग का जो पार्ट बन जाता है यहाँ पर बन जाता है, देखिएगा, 55% का। तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है रीजनिंग, और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आने के कारण, क्योंकि रीजनिंग जो है काफ़ी आसान मानी जाती है, तो इसी कारण से इसकी जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी जाती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, वैकेंसी से लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट्स आपके चुने जाते हैं, जो ये मान करके चलिएगा यदि 52,000 पद हैं तो इसके 2.5 गुना कैंडिडेट्स आपसे चुने जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट होती है कि लगभग 1,30,000 के आसपास कैंडिडेट्स यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, उनको जो है अगले चरण के लिए बुलाया जाता है। तो पहला चरण आपका ये होता है, दूसरा चरण आपका होता है यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि आपसे जो है यहाँ पर आपके जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाती है, जो पहली शॉर्ट लिस्ट में आते हैं 2.5 गुना कैंडिडेट्स को, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तीसरा जो होता है आपका मापन अर्थात माप तोल जिसमें होती है, और दूसरी होती है आपकी दौड़। माप तोल में आपसे मांगी जाती है 168 सेंटीमीटर हाइट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अन्य कैटेगरी के लिए हाइट में भी कुछ छूट है। और चेस्ट का आपका मापन होता है, महिलाओं के लिए चेस्ट की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वजन या इस तरीके की कंडीशंस इसमें अप्लाई नहीं रहती है, आपका वेट कम हो ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीज़ों पर फोकस होता है, एक तो आपकी हाइट होती है और दूसरी होती है आपकी चेस्ट। चेस्ट जो है 79 से बिना फुलाए होनी चाहिए कम से कम, और 84 तक आपकी मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके बीच होना चाहिए पुरुष कैंडिडेट्स के लिए केवल। दौड़ की यदि बात की जाए तो दौड़ में आपको पुरुष कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर दौड़ना होता है 4800 मीटर। 4800 मीटर का मतलब यह है कि आपको जो है 4.8 किलोमीटर अर्थात कुल मिलाकर के 5 किलोमीटर के आसपास आपको दौड़ लगानी होती है, और इसके लिए टाइम दिया जाता है आपको 25 मिनट का टाइम होता है। और यहाँ पर आपको 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं गोल चक्कर, एक चक्कर जो है 400 मीटर का होता है, तो कुल मिलाकर के 4800 मीटर दौड़ना होता है। महिला कैंडिडेट्स को यदि बात की जाए तो महिला कैंडिडेट्स को जो है 2400 मीटर दौड़ना होता है, और 2400 मीटर के लिए आपको टाइम दिया जाता है 16 मिनट का। तो ये महिला कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, ये पुरुष कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तीन चरणों में आपका ये सिलेक्शन हो जाता है। बाकी इसका जो आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल कुछ विशेष नहीं होता है, आपके जिला स्तर के जो चिकित्सालय होते हैं उन पर होता है। यदि किसी के अंदर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो उसको बाहर किया जाता है, अन्यथा कुछ ले दे करके भी ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई हो ही जाते हैं, मुश्किल से 3 से 4% मेडिकल में बाहर होते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। सिलेबस इसका जैसा कि आप सभी के सामने स्पष्ट है कि रीजनिंग के आपके 55 क्वेश्चन आएंगे, गणित से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 37 और सामान्य ज्ञान से 38% आएंगे
तो यहाँ पर यदि कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ में देखेगा आपको जो यहाँ पर फोकस करना है यूआर को 2018 की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 185 पर आपकी कट ऑफ गई थी, ओबीसी की कट ऑफ आपकी जो है 172 के आसपास गई थी और एससी या एसटी कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ थी वो आपकी जो है 152 के आसपास गई थी, 152-153 के आसपास। लेकिन ये 2018 वाला मैटर अब नहीं चलेगा, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है इससे पहले वाली भर्ती में जो गई थी उसी के आधार पर आप ये मान करके चलिएगा कि इस बार कम से कम आपको जो है इस बार तैयारी करनी होगी तो वो देखेगा यूआर को कम से कम 225 प्लस स्कोर की करनी पड़ेगी यहाँ पर। और यदि ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी को भी आपको 215 प्लस स्कोर की तैयारी करनी पड़ेगी, एससी या एसटी कैंडिडेट्स है तो भी आपको जो है 200 प्लस स्कोर के लिए तैयारी करनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन जो है सिक्योर हो पाएगा और अच्छे तरीके से आप जो है इसमें फाइट कर पाओगे, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा है तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, अभी से आप लोग जुट जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में यदि आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं इसके लिए कुछ बेहतर बुक्स आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।